फिर आपने इसको प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने के लिए आपके पास यहाँ पे फ्री लेआउट प्रिंट है। अगर आपके पास यहाँ ना हो तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके यहाँ पे फ्री लेआउट प्रिंट आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। आपने यहाँ फ्री लेआउट प्रिंट पे क्लिक करना है। फ्री लेआउट प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। ये विंडो खुलने के बाद आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे आपकी इमेजेस जो आपने एक्सपोज की हैं। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आपको इसको प्रिंटर बताना है कौन सा है आपका। अगर आपके पास दो प्रिंटर हैं तो वो दोनों प्रिंटर्स के यहाँ नाम आएंगे, और अगर एक है तो वो डिफॉल्ट पे यहीं लिखा होगा। इसके अलावा आप यहाँ इसको डिफाइन करते हैं फिल्म साइज। आपके पास 8:10 है, 10:12 है, 14:17 है और 10:14 है और 14:17 है। 8:10, 10:12, 10:14, 14:17 आपने वो डिफाइन करनी है। अब जैसे एलएस हमने चेस लेना है तो हमने 14:17 पे क्लिक किया और यस कर दिया। अब ये 14:17 की फिल्म आपके सामने प्रीव्यू आ गया। आपने इसको दो तरीके से आप यहाँ पे ला सकते हैं। आप इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप खाली डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ जाता है। फिर आपने अगर आपको ये स्केल चाहिए तो आप इसको रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्केल को यहाँ से ऑल पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले चेस्ट का है, चेस्ट आपने इसका ये एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल साइज पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रू साइज आपका इमेज आ जाएगा, ये ट्रू साइज है आपका, ठीक है। और अगर आपने इसमें कोई छोटी फिल्म पे काम करें तो वो उसका मैं आगे बताता हूँ। अभी ये आपका यहाँ पे ट्रू साइज इमेज आ गया है, ये रेडी है। आप यहाँ पे अपनी एडिटिंग यहाँ से भी थोड़ा ब्राइटनेस की सेटिंग्स वगैरह करके आप यहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं। एसएल वैल्यूज हैं, इससे भी आप अपनी इमेज बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ आ रहा है फूटर, जहाँ पे आपका ये हॉस्पिटल नेम, पेशेंट नेम और डेट और पेशेंट आईडी होता है। ये हमने ये फूटर इंफॉर्मेशन सेटिंग है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो है ये फूटर है। फूटर कहाँ होता है, ये नीचे फूटर है। फूटर अभी हमारा अलाइन हुआ है लेफ्ट पे। अगर आपने सेंटर पे करना है तो आप यहाँ से आएंगे और सेंटर कर देंगे और इसे ओके कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फूटर ना आए, आपका इमेज आए पूरे उस पर, तो आपने यहाँ से नो पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका कंप्लीट इमेज आ जाएगा। और वापस यस करेंगे तो आपका वापस फूटर आ जाएगा। यहाँ पे फूटर आने के बाद आपने एक बार इसको ट्रू साइज दे दिया, फिर आपने इसकी अलाइन करके अब ये थोड़ी सी ये अलाइनमेंट आपने की। उसके बाद अगर आपने इमेज को थोड़ा बनाना है, आप इस तरह से इमेज के कंट्रास्ट आप सेट कर सकते हैं। और यहां से जब आपने देख लिया आपका कंट्रास्ट हो गया, तो आपने आपके पास ये नीचे दो बटन है, एक क्लोज का होता है, दूसरा होता है आउटपुट यानी कि प्रिंट का। तो आपने आउटपुट पे क्लिक करना है और यस करना है, तो ये आपका प्रिंट चला जाएगा। ये आपका यहाँ पे प्रिंट आपके प्रिंटर पे चला गया। अब आपने अगर इसी को 8:10 पे निकालना है तो आप 8:10 पे इसको निकाल सकते हैं। फिल्म साइज आपने 8:10 दे दिया। अब आपने इसको लैंडस्केप पे निकालना है तो वो लैंडस्केप पे हो जाएगा या पोर्ट्रेट पे ही निकलेगा। अब अगर मैंने इसको लैंडस्केप पे निकालना है तो ये लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा और इसको ट्रू साइज देके इमेज बड़ा आ जाएगा। इसको हम फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम आउट कर देंगे, ठीक हो गया। आप ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन चेस्ट है आप इस तरह नहीं देते हैं, आप पोर्ट्रेट पे ही वापस करेंगे और उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे इमेज को। ये आपका 8:10 पे आ जाएगा। और अगर आपने 14:17 पर प्रिंट देना है एलएस का, तो उसके लिए आपको दो
लेआउट का ये बटन है। लेआउट मतलब आपको कितने टेम्पलेट, आपको कितनी विंडो चाहिए इस पर। अब जैसे LS है तो 14-17 पे हम दो भी दे सकते हैं। हमने इसको दो बना दिए, एक पे हम डबल क्लिक किया और ये आ जाएगा आपका LS AP। यहाँ क्लिक किया और ये इस पर डबल क्लिक किया, ये आपका आ गया लेटरल व्यू। इसको आप वही ट्रू साइज देंगे और इसको भी ट्रू साइज देंगे। ये आप यहाँ पे रख सकते हैं और इसको यहाँ पे। इसके बाद आपने जो करना है, आपने इसका कंट्रास्ट बनाना है। कंट्रास्ट बना के कंट्रास्ट बनाने के बाद आपने ये दो लेआउट बना लिए, फिर आप इसको प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ से जो प्रिंट दे देंगे आप, ये प्रिंट चला जाएगा। आप इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। फिर आप लिस्ट मेन्यू में आ गए। यहाँ आने के बाद अगर आपने प्रिंट नहीं किया है तो यहाँ पे आपकी प्रिंट डिटेल्स होती हैं कि आपने जो प्रिंट दिया है वो चला भी गया है या नहीं। प्रिंट यहाँ से जा चुका है। अगर प्रिंट नहीं जाता है तो यहाँ पे आपका पेशेंट आईडी और पेशेंट नेम के साथ यहाँ पे आपका जो इमेज होता है यहाँ पे होता है और उसका स्टेटस होता है कि वो क्यों आगे नहीं गया। ठीक है,